स्टेट पे आए हैं, कैसा लगा और क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आज बड़ा शुभ मुहूर्त है गणेश चतुर्थी के, उस पावन बेला पे हम हैं जोड़ी नंबर वन, जिसमें आप देख रहे हैं कि भोजपुरी की सुपरस्टार रानी चटर्जी और भोजपुरी के सुपरस्टार ही हमारे रवि किशन जी, आज फिल्म का मुहूर्त है और मैं इस फिल्म के मुहूर्त पे जो कि दिलीप गुलाटी जी की द्वारा लिखी गई है और डायरेक्शन में है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और प्रोडक्शन है कैलाश मानसरो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है मिलके, और आशा है कि ये फिल्म भोजपुरी की एक माइलस्टोन साबित हो। और हमारी दिलीप जी ने अभी जो डायरेक्ट की थी फिल्म माफिया बिग बॉस, वो भी मोस्ट प्रोबली अगले महीने आएगी। मैं दिलीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिलीप जी की चौथी भोजपुरी फिल्म है, इससे पहले 3 भोजपुरी फिल्म दिलीप जी ने बहुत अच्छे लेवल की दी हैं, और आशा है वो जो 3 फिल्में हैं उनसे बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करेगी ये, क्योंकि आज के शुभ दिन पे उनका अच्छी कृपा रहे और आगे भी इसी तरह की फिल्में मिलती रहें। संजय एक हटो गोविंद भाई पैर हटो। ओ संजय भाई, अच्छा भाई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन किया, कौन है नहीं ना कौन है? मैं राज चौहान, अभी मेरी माफिया बिग बॉस आ रही है, सभी को आज गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के उस पे सभी मुंबई वासियों को और फिल्म की टीम को, पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर आज गणेश चतुर्थी जी के दिन जोड़ी नंबर वन का मूड कर रहे हैं, क्या है फिल्म में और सबसे पहला मैं बोलूँगा गणपति बाप्पा मोरिया, सबको गणपति की शुभकामनाएं, आज सबके घर में गणपति रहेगी। आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, गणपति वाले दिन हम लोग काम कर रहे हैं, और ये भी हमारे हिंदी के हमारे प्रोड्यूसर है पहली बार भोजपुरी बना रहे, और हमारे डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जी वो भी पहली बार भोजपुरी कर रहे, तो एक नया हिंदी वाले भोजपुरी में आ रहे, एक नया है ये गणपति वाले दिन हम लोग का शुरुआत हो रहा है। और आज हम लोग गाने से स्टार्ट कर रहे हैं, एक गाना ड्यूट सॉन्ग, ये रवि किशन और रानी दोनों के ऊपर हम लोग एक गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, और ये जोड़ी नंबर वन मतलब एक दोनों का आपस में एक प्रेम का मिलन है, एक डैशिंग पिक्चर है, एक्शन है इसमें, कॉमेडी है, मगर अच्छे गाने हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है इसका, गाने रिकॉर्ड हो गए, और दिलीप जी फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब उनको हेल्प कर रहे हैं, साथ में हमारा एक टीम बन रहा है, एक नया टीम हम लोग का खड़ा हो रहा है। अपने तरफ से क्या शुभकामना देना चाहिए? मेरे तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामना है कि मेरे लिए एक नया हिंदी वाले वापस भोजपुरी में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं इतनी भोजपुरी पिक्चर कर चुका हूँ, 100-150 पिक्चर कर चुका हूँ, मगर हिंदी वाले आए तो और एक खुशी होती है। पहला जी भी आ रहे, सब हिंदी वाले भोजपुरी बनाना चाहते, तो भोजपुरी आगे बढ़े, सक्सेस हो, हम लोग के लिए अच्छा है, ऑडियंस के लिए अच्छा है, हिंदी वाले आए नए नए स्टाइल से कोई पिक्चर नया पेश करे उस। सर आपका कोई प्रोजेक्ट है? मेरा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हिंदी चल रही है, पंजाबी चल रही है, मराठी चल रही है, भोजपुरी चल रही है, अभी इंतकाम लगेगी बॉम्बे में लगी, अभी और 4 पिक्चर है अबे सिन्हा की जा रही है, काफ़ी पिक्चर जा रही हैं। थैंक यू। मैं पाल पांडे गणपति जी के शुभकामना देती हूँ, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शुभकामना देती हूँ, और चाहती हूँ कि उनकी अच्छी फिल्में चले और अच्छी से रिलीज हो और शूटिंग भी अच्छे चले, और हीरो हीरोइन को भी। मैं हीरो नंबर वन के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है और क्या शुभकामना देना चाहेंगे? इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मुझे तो मालूम नहीं किस टाइप की फिल्म बनेगी, तब मालूम चलेगा कि किस टाइप की फिल्म है, और मुझे लगता है पोस्टर देख के कि बहुत अच्छी फिल्में हैं, और पब्लिक को भी कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी लगेगी। रानी जी हैं और रवि जी हैं, इनकी तो जोड़ी हिट है और पब्लिक को भी बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं चाहूँगी कि और भी पसंद करें और इनकी फिल्मों पर लाइक करें। मेरी फिल्म इश्क बाज आने वाली है, लगा दिन जान की बाजी, दहशत और बाजी सहनाई, 4 फिल्में मेरी नेक्स्ट मंथ में रिलीज होने वाला। थैंक यू सो मच। फिल्म डायरेक्टर
और ये फिल्म कर रहा हूँ भोजपुरी, अपने दिलीप गुलाटी जी का डायरेक्शन है सर, दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी बना रही है, उसमें मुझे मौका मिला। और रवि किशन जी और रानी चटर्जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, और इस फिल्म में जो म्यूजिक दिया हूँ वो भी मतलब भोजपुरी को नज़र रखते हुए और यूपी बिहार को नज़र रखते हुए, उसमें आइटम सॉन्ग एक से एक गाना है, और बहुत ही अच्छा मुझे मौका मिला है। और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ की ऑडियंस, वहाँ की पब्लिक को मजा आए और गाना सुने। और थैंक्स, पूरा भोजपुरी को नज़र रखते हुए बोला, जो आजकल चल रहा है वहाँ पे उसी हिसाब से डीजे सॉन्ग है, जो माहौल चल रहा है उसमें पारिवारिक भी गाना है, मतलब हर कलर का म्यूजिक उसके अंदर। थैंक यू। क्या शुभकामना देना चाहिए? जी जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी को, रानी जी को स्पेशली, एंड पूरी इंटायर टीम को। आपकी क्या भूमिका रही इस फिल्म में? मैं शायद इस फिल्म का म्यूजिक कर रहा हूं, और अगर करूंगा तो बहुत दमखम से करूंगा। वैसे भी रवि जी और रानी जी के लिए जो भी हमने म्यूजिक बनाए हैं, भगवान का आशीर्वाद रहा है और पब्लिक ने उसे बहुत सराहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुरुश, जोड़ी नंबर वन में एक कैरेक्टर का रोल अदा कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस फिल्म में मुझे रोल मिला है, और ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। अभी तक मैंने हिंदी फिल्म की, इंग्लिश फिल्म की, मराठी की, गुजराती की, और ये मेरा पहला मौका है, तो ये भी मेरे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण फैसला है कि पहली बार मैं भोजपुरी में कदम रख रहा हूँ, और उन्होंने मुझे ब्रेक दिया है। और ये फिल्म जो है बहुत ही एंटरटेनमेंट फिल्म है, जिसके अंदर पूरा मसाला है, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशंस है, रवि किशन जी है, और रवि किशन जी डबल रोल में है, मतलब डबल धमाका, जिनके साथ मैंने पहले काम किया था मनी है तो हनी है में। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस को पसंद आएगी, हर दर्शकों को पसंद आएगी, पूरे फैमिली के साथ आप ये देख सकते हैं। और जो डायरेक्टर सर है वो बहुत सीनियर है, जिन्होंने काफ़ी भोजपुरी, हिंदी और बहुत सारी भाषाओं में, गुजराती में भी फिल्म बनाई है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक लैंडमार्क फिल्म रहेगी, और मैं इस गणेश चतुर्थी के महोत्सव पे इस फिल्म के लिए मैं दुआ गुजारिश करता हूँ कि गणपति बापा के आशीर्वाद से ये फिल्म बहुत कामयाब हो और पब्लिक को, ऑडियंस को बहुत पसंद आए। अब आपको जो सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मेरा नाम है कुरुश देबू। इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, जिसमें कॉमेडी भी है और ड्रामा भी है, और अभी फिल्म मुहूर्त है तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल्स में मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं आपको दिल खोल के मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस फिल्म थोड़ी सस्पेंस में रखी है, धीरे धीरे उसके पत्ते बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब। इतना रखना, इतना। हाँ जी सर, इस फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है और क्या? देखिए जी, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। जोड़ी नंबर वन एक कमर्शियल सिनेमा हमको बनाना है, सुपर एंटरटेनमेंट। भोजपुरी फिल्में बहुत आ रही हैं, हर हफ्ते एक फिल्म रिलीज होती है, और हमारी कॉन्सेप्ट ये है कि फिल्म में इतना एंटरटेनमेंट वैल्यू हो जो आपको हिंदी सिनेमा में मिलता। इस फिल्म की देखो पहली खास बात तो ये है कि ये जोड़ी नंबर वाकई है, मुझे किस्मत से दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे मिले हैं, दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं तो आप फिल्म को बहुत बेहतर बना सकते हैं। कहानी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। कहानी हमारी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन में टॉप का करूंगा, और एक्टर्स परफॉर्म करने के लिए दोनों मेरे पास कमाल के हैं। बिल्कुल नहीं मिलती है, मेरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। जो हिंदी जोड़ी नंबर वन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम डिफरेंट फिल्म बना रहे हैं और फुल एंटरटेनमेंट को, वैल्यू को दिमाग में रख के चल रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने बड़ी फिल्में भी बनाई है। नॉकआउट इनकी फिल्म थी, जिसमें आपको पता होगा कंगना रनावत, इरफान खान और संजय दत्त थे, वो पूरा ग्रुप है जो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, और बहुत कॉन्फिडेंस से और एक बहुत फेथ है उनको, भोजपुरी सिनेमा पे आया है जो उन्होंने ये स्टेप लिया है, और मुझे ये काम उन्होंने सौंपा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे,
और अगर ये एक कॉर्पोरेट कंपनी को हम अच्छा रिजल्ट देते हैं, आप लोगों का सहयोग रहता है, मेरी टीम का सहयोग रहता है, मीडिया का सहयोग रहता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में और भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ आएंगे। देखिए हमारा प्लान तो है कि अगर हमको सारी डेटें इमीडिएट मिल जाती है तो विद इन 4 months, 4 महीने के अंदर मैं इस फिल्म को बना के रिलीज कर दूंगा। एनीथिंग एल्स? ओके सर, गणपति बापा मोरिया। जस्ट सेकंड सर। गणपति बापा मोरिया जोड़ी नंबर 1 सुपरहिट। थैंक यू सर। सर हमारा तो पूरा दिल से सहयोग है और सभी लोगों का सहयोग है और शुभकामनाएं तो हमेशा हमारी रहेंगी दिलीप सर के साथ, क्योंकि उन्होंने पहला ब्रेक मुझे दिया था माफिया बिग बॉस से और इसमें भी मैं कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा काम है। और जोड़ी नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जोड़ी नंबर 1, तो ये सभी जानते हैं कि भोजपुरी की सबसे बेस्ट जोड़ियों में से एक नंबर 1 तो है ही, और आई होप कि ये जोड़ी नंबर 1 ऐसी बनी रहे और आप सबका आशीर्वाद चाहिए और कोशिश तो ये है कि हम लोग दिल से काम करेंगे और देखते हैं। सर सामने अभी जरा बताना, जल्दीबाजी हो जाएगी क्योंकि काम चालू है हमारा, सारे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, तो जैसे कंफर्मेशन मिलती है हम जरूर बताएंगे और आपके सामने ही आएंगे। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि आज गणेश उत्सव के दिन हमारा मुहूर्त है, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव कितना बड़ा त्यौहार होता है, तो हम चाहेंगे कि उसी तरीके से उतना ही बड़ा हमारी पिक्चर हिट हो और गणेश जी का आशीर्वाद हो, हम सब कामयाब हों इस फिल्म से। तो बहुत उम्मीदें हैं मुझे इस फिल्म से और दुआ करो आप सब भी। आने वाला कोई प्रोजेक्ट है आपका? अभी मैंने जस्ट एक हाईवे किलर किया है जो 2 दिन पहले मेरी फिनिश हुई, हाईवे किलर, उसमें मैंने इंस्पेक्टर विनोद का कैरेक्टर किया है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप सब जरूर देखना आप और अपनी रिगार्डमेंट देना मुझे। या वेलकम, थैंक यू। एक एंटरटेनिंग फिल्म है, ऑडियंस इसको लव करेगी, आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट है, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, और ये फिल्म एक अलग हटके फिल्म है क्योंकि इसके अंदर रवि जी ने जो स्टोरी, जो गुलाटी जी ने स्टोरी दी है, वो एक अलग ही एंगल लेती है, एक भोजपुरी सिनेमा में एक नया कुछ करने का प्रयास है। लाइफ मत मानना भी देखते। सर जोड़ी नंबर 1 एक हिंदी फिल्म भी है, तो क्या उसकी कहानी है आपके उससे? नहीं, कहानी अलग है। कहानी के बारे में बताइए, किस तरह की कहानी? तो अभी फिलहाल तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ आपसे, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सर हिंदी से बोल कोई नहीं, कहाँ कहाँ से करने वाले हो आप, ये लोग कहीं नहीं पूछे। भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, पहले हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हो, अभी ऐसा है कि आज भोजपुरी सिनेमा का दौर है, भोजपुरी सिनेमा बहुत अच्छा कर रही है, तो ये मेरी दूसरी भोजपुरी फिल्म होगी। पहले मैंने करी थी दरार विद पवन सिंह एंड अनिल सम्राट, वो भी पिक्चर मेरी अच्छी गई थी, अभी ये पिक्चर देखते हैं कैसी जाती है। पूरा शूट हम लोग गुलाटी जी ने जैसे आप लोगों से कहा होगा कि हम लोग ये शूटिंग करेंगे, लखनऊ है, बिहार है, बॉम्बे है, सब अलग अलग जगह पे ये पिक्चर शूट होने वाली है। कब तक रिलीज करने का? कब तक? अभी आज तो मुहूर्त है अभी तो मुहूर्त तो होने दो भैया, शूटिंग तो होने दो, कब रिलीज है, बापा का आशीर्वाद मिलेगा, सब अच्छा होगा। बहुत पवित्र दिन है आज, सब लोग का बहुत अच्छा, गणपति भगवान सबके घर पे आते हैं, आज भगवान के आशीर्वाद से ये पिक्चर आज ही हम लोग ने मुहूर्त करने का सोचा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरी एक
एक सच्चे दिल से पिक्चर बना रहे हैं। अभी ये पिक्चर फ्लोर पे जा रही है, तो जैसे फ्लोर पे जाती है बनेगी, तो उनसे खाली एक ही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप थिएटर में जाके ये पिक्चर देखिए और जज कीजिए कैसी बनी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऊपर है। हाँ जी सर, जोड़ी नंबर वन को क्या शुभकामना देना चाहिए? शुभकामना ऐसा है कि यहाँ के जो बहुत ही अच्छे और मशहूर और बहुत बेहतरीन एक्टर और एक्ट्रेस हैं, और उनकी जोड़ी काफ़ी टाइम बाद आई है और लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। पिक्चर टोटल एंटरटेनमेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई खाली एडल्ट मूवी वगैरह नहीं है। इट्स नाइस फैमिली एंटरटेन मूवी है जिसमें जो ऑडियंस को पसंद आएगी, और टोटल मसाले वाली पिक्चर है। गाने अच्छे हैं, एक्शन है, कॉमेडी है, हर चीज़ को ध्यान दिया है, तो इट्स अ गुड मूवी। गुलाटी जी का सर ऐसा है कि वो मल्टीटास्क डायरेक्टर हैं, हर चीज़ में उनकी माहिरी रह चुकी है, चाहे वो एक हॉरर पिक्चर हो, चाहे लव स्टोरी हो, चाहे कॉमेडी है। बट ये टाइम हम उनको एक अलग किरदार में एक अलग डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, जिसमें ही इज़ गोना डू द बेस्ट, बिकॉज इनके यहाँ जो टैलेंट है वो किसी के पास इंडस्ट्री में नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। खास सर गुलाटी जी की कोई खास बातें बताने के मेरे योग्य नहीं है। 20-25 साल 30 साल से इंडस्ट्री में वो हैं, हर आदमी को मालूम है, ही इज़ अ ब्रांड हिमसेल्फ। और आज हम बहुत वी आर वेरी हैप्पी कि यू नो हमारे लॉन्च में भी ये हमारे साथ जुड़े हैं, रवि किशन जी और रानी चैटर्जी जैसी बहुत ही बेहतरीन एक्टर एक्ट्रेसेस। आई मीन आप इट्स लाइक वी आर वेटिंग फॉर द थिंग फॉर द पब्लिक टू हैव हिम। और आगे चल के भी हमारा यही थीम होगा कि मसाला पिक्चरें और नाइस एंटरटेन मूवीज फॉर भोजपुरी। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इतने सालों से एक ऐसी रीजनल भाषा जिसने पूरे विश्व में ध्यान दिया और बॉक्स ऑफिस पे कामयाब सब चलते चलते एक MBBS MBBS का एक जरूर हो गई थी। कभी सीरियल चल रही है लाइफ के कैरम रोमन जिस युवा को मजा नहीं रहा, यानी तो पप्पा ने हमारा पप्पा बनाया। थैंक यू वेरी मच। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। इधर इधर इधर, अरे रुको ना, थोड़ा साइड दो यार तुम लोग। आओ मैम इधर, थोड़ा एक फोटो है आपका, वेट कर रहे तुम लोग। अरे पहले पैर तो छूने दो, तुम लोग आज गाने में गा। सर सर आप भी साथ में आइए ना। अरे बीच में मत जाओ, ऐसे जाओगे ऐसे करोगे क्या? रवि सर आ गए बीच में। अरे बाइट बाल करेंगे विजुअल मार। यस सर आइए सर। अरे सर वाह मास्टर, यस सर थोड़ा क्लोज में, अरे थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो यार। ए भाई थोड़ा पीछे गणपति बाप्पा। अरे महादेव, आप सभी मीडिया वालों का स्वागत।
देरी हो गई, तो स्क्रिप्ट पे कुछ हम लोग बैठे थे सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आए आज गणेश जी का जिन्हें पावन दिन पर, और ये बैनर को मैं मुबारकबाद दूंगा। ये बैनर संजीव भोजपुरी फिल्म से शुरुआत करा है, कि बहुत 8-10 फिल्में इनका बनाने का प्लान है। दिलीप जी पुराने साथी हैं, बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं, शुरुआत कर रहे हैं। पप्पू खन्ना जी जिनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया डांस से, रानी के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं, हमारी सारी फिल्में हमेशा ब्लॉकबस्टर रही, हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में हिट की, और काफ़ी समय के बाद हमारी ये जोड़ी दोबारा आ रही है। तो मैं पूरी टीम को, हमारी यूनिट को बहुत दिल से शुभकामना देता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और मीडिया को धन्यवाद कि आप लोग हमेशा मेरी फिल्मों को, भोजपुरी को, हमारे इंडस्ट्री को हमेशा आप लोग साथ देते हैं। तो थैंक यू, और मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब दो शब्द आप कहें। जैसे कि मैंने कहा, ये जोड़ी वाकई जोड़ी नंबर वन है और ये हमेशा रहेगी, बट हमने अभी इनको वापस लाया है और मुझे मालूम है कि ये वापस से करके रहेगी। हमारे पिक्चर में बहुत अच्छा मसाला है और लोगों को ब्रेक एंटरटेन होगा। हमारे बोला वही मेरे शब्द है, आगे में और क्या कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ये जोड़ी सुपरहिट है। थैंक यू, बस यही कोशिश है कि हमारी जोड़ी के बारे में आप हमेशा अच्छा होने, और दिलीप जी को मिलने उसके बाद पप्पू जी, उनके गांधी जी, डेफिनेटली आप लोगों को सबकी आवाज़ सुनाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि ये सुपर डुपर हिट फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे मिले हैं, मेरा हीरो बहुत अच्छा है और मेरी हीरोइन बहुत अच्छी है, और जो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मैं इनका पूरा साथ दूंगा, रानी पूरा साथ देगी, पूरी टीम देगी। इसकी शूटिंग हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे और ये फिल्म वन शेड्यूल में हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगली फिल्म हमारे लोग इसी बैनर के द्वारा प्रोडक्शन करेंगे। पप्पू जी क्या शब्द है? मेरा सबसे बड़ी शुभकामना और सबको नमस्कार। गणपति बापा मौर्या, आज गणेश जी का स्थापना है, उस टाइम पे हम लोग मुहूर्त करें, बहुत तकलीफ है आज के लिए, मेरे तरफ से सबको शुभकामना। थैंक यू आप सभी को, मेरा नमस्कार। और आज बहुत ही शुभ दिन है, गणेश जी का दिन है। सबसे पहले आप सभी को मेरी बेस्ट विशेष गणेश जी के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रवि जी संग है मेरे साथ, मेरे हमेशा मोस्ट फेवरेट हीरो रहे हैं। आपके साथ कम से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं जिसका बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहे थे कि हम लोग साथ में काम करेंगे, बट लकी अब हम लोग एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ, टाइटल चूँकि सर ने बहुत ही अच्छा दिया है हम दोनों को जोड़ी नंबर वन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमारे प्रोड्यूसर सभी बहुत एक्साइटेड है, पूरी टीम एक्साइटेड है। पप्पू जी का डांस सुना, बहुत मजा आएगा आई होप। हाँ धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग गाने की शुरुआत करेंगे, हम लोग गाना शुरू करेंगे और आज फिल्म की शूटिंग आज से शुरू होगी। अभी मोरल शॉट होगा, आप लोगों का कैमरा अपना तैयार रखिए मोरल शॉट के लिए, और उसी के साथ श्री गणेश होगा जी। तो मोरल स्टार्ट होगा, होने वाला हो गया, होने वाला है, करीब बाय। अरे हम लोग ये आई लेके जाएंगे, आने बोल दिया आउट ऑफ।
आज बहुत सारी खुशियाँ एक साथ मिली। मैं एक तो गणेश जी को धन्यवाद कि आज गणेश जी के पावन दिन का मौका मिला, मुहूर्त किए प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब को, रानी के साथ काम करने का मौका मिला, तो आज बहुत सारे भोजपुरी की इंडस्ट्री में खुशी की, भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा जोड़ा साथ में आ रहा और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भोजपुरी सिनेमा में एंटर किया है, तो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। रानी और रवि किशन का केमिस्ट्री तो वैसे ही बहुत पावरफुल रहा है, बहुत हिट रहा है, और क्या कहना चाहेंगे केमिस्ट्री के बारे में? बस आप लोगों ने अभी मुहूर्त शॉट देख ही लिया, ये लाइन हम लोग को अभी तुरंत एक मिनट पहले मिली थी, तो ये हम लोग का आंखों आंखों से एक तालमेल है, एक अलग केमिस्ट्री है कि ये इनको पता मैं कहाँ पॉज लूँगा, मैं कहाँ रुकूँगा, मुझे कहाँ से उठाना, ये कहाँ रुकेंगी, एग्जैक्टली ये बड़ा हमको संभालते रहते हैं। रानी नोज एग्जैक्टली मुझे बचाना कहाँ है, संभालना, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर। अभी बात करें, सीन हो रहा था तो उसमें देखा कि रानी आपको कृष्णा करके बुलाती है, पर बांसुरी नहीं है आपके यहाँ? हाँ बांसुरी नहीं है, बट दिख जाएगी फिल्म में डेफिनेटली। अच्छा आपका सजेशन रहा, मैं डायरेक्टर से कहूँगा कि कृष्णा के साथ बांसुरी होनी चाहिए, बहुत अच्छा। मेहरारू ढूंढ रहे थे, मिले कि नहीं? हाँ मेहरारू है, एकदम मिल गई, इतनी सुंदर सी बगल में आ गई मेहरारू, और यही इस फिल्म की कहानी है। ये एक एक्शन पैक टू हीरोइन सब्जेक्ट है जिसमें फैमिली ड्रामा ये बहुत ज़्यादा है, गांव देहात का, और इमोशन एक प्यार में सैक्रिफाइस, और एक जो प्रेम करती है वो कैसे सैक्रिफाइस करती है, और एक दूसरी लड़की से कैसे, तो बहुत ही अच्छा सुंदर सी एक नई कहानी हमारे एंटरटेनमेंट के साथ आएगी। रानी आप क्या कहना चाहेंगे, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ रवि जी के साथ। जब भी कोई फिल्म होती है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि रवि जी को लगता है कि मैं उन्हें संभालती हूँ, ऐसा नहीं है। रवि जी के साथ बहुत कुछ सीखती हूँ, और टीम बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, म्यूजिकली फिल्म है, एक्शन ड्रामा म्यूजिकली सब कुछ होगा फिल्म में, मतलब जैसी फिल्में हम करते हैं, हम दोनों की जोड़ी जिस फिल्म में होती है, आई होप कि लोगों को ये फिल्म पसंद आए। रानी दिलीप गुलाटी जो डायरेक्टर हैं उनकी बात करें तो आज तक उन्होंने हिंदी फिल्में बनाई, आज पहली बार भोजपुरी फिल्म बनाई, आपके लिए कितनी
मायने है कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स भी जो हैं वो उन्होंने हिंदी फिल्म बनाई है, हमारे दिलीप सर ने भी बनाई है, और ये मेरे लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है कि मैं इतने अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने जा रही हूँ। रवि जी तो करते ही, रवि जी ने तो बहुत दिग्गजों के साथ काम किया है, बट मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा। रवि सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि आज मेरे घर पे भी गणेश जी थे, आधी पूजा किया, मैंने उनसे क्षमा मांगा, मैंने गणेश पापा को बोला कि मैं, हम कलाकारों की असली पूजा यही है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कलाकार के लिए भगवान और जीवन और मंदिर सब कुछ, उसका स्थान ही शूटिंग होता है, मेकअप होता है। तो आज मेरे घर भी गणेश जी आए हुए हैं डेढ़ दिन के लिए, बट खुशी की बात है कि त्यौहार के दिन हम कलाकारों को 365 दिन, मुझे तो 365 दिन, इवन रानी को भी शायद, हमारे लिए 365 दिन त्यौहार होता है। आज बड़ा पावन दिन है गणेश जी का, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जन्मदिन भी है, नरेंद्र मोदी साहब का, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई, और आज गणेश जी का भी जन्मदिन है, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जस्ट सेकंड सर, थोड़ा विजुअल चाहिए, पीछे हटो, पीछे मैम साथ में कर चलो।